नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 90 के दशक की बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा रवीना टंडन आज भले ही फिल्मों में कम नज़र आती हैं, मगर लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी आज भी वैसी ही है। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। उन्होंने अपने ज़माने में एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया है, जिसमें न केवल उनके अभिनय की तारीफ की जाती है बल्कि खूबसूरती से भी वो खूब लाइमलाइट लूटती रही हैं। उनकी कुछ ऐसी फिल्में और गाने रहे हैं जो आज भी चर्चा में रहते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको उनकी और अक्षय कुमार की हिट फिल्म की शूटिंग से जुड़ा किस्सा बताने जा रहा हूँ, और वो किस्सा बेहद दिलचस्प है। रवीना टंडन की हिट फिल्मों में से एक मोहरा फिल्म रही है, इसमें वो अक्षय कुमार के साथ नजर आई थी। फिल्म में दोनों स्टार्स का एक गाना टिप टिप बरसा पानी काफ़ी हिट हुआ था। इसमें इनकी रोमांटिक केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया था। ये गाना आज भी उतना ही हिट है। साल 1994 में आई इस फिल्म के गाने को बॉलीवुड का सबसे हॉट रेन डांस माना जाता है। अक्षय और रवीना की केमिस्ट्री कमाल की रही थी, लेकिन फिल्म में ये गाना जितना ग्लैमरस और रोमांटिक दिखा था, रियल लाइफ में इसे शूट करना उतना ही मुश्किल था। इसकी शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस दर्द से कराह रही थी, उनके घुटनों से खून बह रहा था। टिप टिप बरसा पानी गाने की शूटिंग से जुड़ा किस्सा ग्लाटा से बात करते हुए खुद रवीना टंडन ने बताया था। उन्होंने बताया था कि कैसे ठंडे पानी और कंक्रीट के बीच इस गाने को उन्होंने शूट किया था। वो ठंडे पानी में जम गई थी और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कंक्रीट की वजह से उनके घुटने छिल गए थे। इसकी वजह से उनके घुटनों से खून बहने लगा था। रवीना ने बताया था कि उस समय जब भी बारिश के गानों की शूटिंग की जाती थी तो गीज़र का गर्म पानी नहीं दिया जाता था, टैंकर से बर्फ के जैसा ठंडा पानी ही मिलता था। इसके अलावा रवीना टंडन ने यह भी बताया था कि इस गाने की शूटिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर थी। उन्होंने पीली साड़ी पहनी थी, घुटनों में न तो पैड था और न ही ऊंची हील वाले जूते थे। एक्ट्रेस ने आगे बताया था कि गाने की एंट्री पर वो घुटनों पर फिसलती हैं, इसकी वजह से उनका घुटना और टखना छिल गया था और खून बहने लगा था। इतना ही नहीं, पैरों में जूते न होने की वजह से जंग लगी कील भी घुस गई थी। इसके लिए रवीना ने टेटनेस का इंजेक्शन लगवाया था। मोहरा की एक्ट्रेस ने बताया था कि गाना देखने में काफ़ी ग्लैमरस था, लेकिन शूट पर ऐसा कुछ नहीं था, बस चेहरे पर स्माइल थी। ये 3 दिनों में शूट हुआ था क्योंकि ठंडे पानी की वजह से उन्हें बुखार भी आ गया था। बहरहाल अगर रवीना टंडन के प्रोफेशनल वर्क फ्रंट की बात की जाए तो एक्ट्रेस जल्द ही फिल्म वेलकम टू द जंगल में नज़र आने वाली हैं। इसके ज़रिए वो अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नज़र आने वाली हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस को OTT पर भी अपनी एक्टिंग का दम दिखाते हुए देखा जा सकता है। वो अरण्यक, कर्मा कॉलिंग और पटना शुक्ला जैसी फिल्मों और वेब सीरीज़ में नज़र आ चुकी हैं। इनमें उनके काम की दर्शकों ने खूब सराहना की है। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर हाजिर रहूँगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।